आज फिर ये माशाल्लाह से दोनों बाहर आ गए हैं। ये दाना कुछ नीचे गिरा हुआ था, मैंने सफाई नहीं की, मैंने कहा ज़रा दाना वगैरह यहाँ से खा लेंगे। हमारा वो जो है ब्लैकी बाहर आने लगा था, मैंने जल्दी से उसको बंद कर दिया। बच्चे नीचे ही हैं और माशाल्लाह से दूसरा अंडा भी इन्होंने दे दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, एक अंडे का साइज़ बड़ा है, आप देख सकते हैं, एक का छोटा है। और बच्चा कहाँ, एक ये बैठा है, एक वो है, और वो बाहर आए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं? अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से रखें। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ अपने सेटअप पर, तो मैंने देखा है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सारे के सारे कबूतर बाहर आ गए। एक सेकंड लगाया उन्होंने, अच्छी आवाज़ चल रही थी, तो मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाल देते हैं। और मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने चिकी की यार उनके घर की भी साफ सफाई करनी है और उनको नहलाना भी है, यही कहा था मैंने। लेकिन ना भाई ना, जैसे मैं बनी के पास गया हूँ सफाई करने के लिए, तो बनी को चढ़ गया गुस्सा। बनी ने तो मेरे यार यहाँ देखे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे करके उसने मेरा अटैक कर दिया। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, अकेला रहने की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, गुस्सा आ गया, वो मुझ पर अटैक कर देता है। अब मैं क्या करूँ, उसको प्यार करता हूँ ना तो फिर सही हो जाता है। अब मैंने सोचा उसको बाहर निकालता हूँ, खोल दिया, बाहर आ गया। मैं जब दोपहर थी, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने कहा जल्दी काम खत्म करके चलता हूँ नीचे। ना ना ना, वो तो काबू में ही नहीं आया। फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा चलो तुम वापस जाओ, उसको मैंने वापस छोड़ा, सफाई वगैरह की। तो मैंने इनसे फिसकी नहीं की थी, इनके केज की भी सारी सफाई कर दी है। बाहर आई होंगी ये देखिए, हमारे चिकी और ये हनी भी बाहर आए हों। तो मैंने सारे इनके सेटअप की ना आज सफाई कर दी, साफ़ सुथरा कर दिया, और इसके भी सेटअप की सफाई कर दी थी मैंने। हाँ तो मैं बाहर नहीं अभी निकालूँ, वैसे ही देखा जाए ना बिल्कुल चूहे की शेप की लगती है ना, इसकी शक्ल ही थोड़ी सी और है, और इसकी शेप का फ़र्क है, उसकी शेप का फ़र्क है। शायद ये वो एज में छोटी है, वो एज में ना ये बड़ी है, क्योंकि इसने पहले भी दो तीन दफ़ा बच्चे दे दिए हुए हैं। इतने पहली दफ़ा बच्चे दिए हैं, ये सिर्फ तीन चार माह के थे जब हमारे पास आए थे, इसलिए इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। इसकी सफाई कर दी, साथ मैंने इन सबको भी आज सफाई करके इनका ताज़ा पानी डाल दिया, इनको भी, इनका मैंने सेटअप वापस कर दिया। आज आपको मैंने वहाँ पर रख दिया था इसको, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ना यार वापस यहाँ पर रख दिया। मैंने कहा यहीं पर ठीक है, यहीं पर क्या पता इन्होंने अंडे देने हो दे देंगे, नहीं तो फिर कुछ मैं कुछ हल करूँगा। एक हमारा ये वाला है डब और एक वो डब, इन दोनों को यहाँ से निकालना है। दोनों को निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रखना था, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ था अपने लिए। क्या याद है आपको, कुछ दिनों पहले मैंने क्या बताया था, चिक्स का कहा था ना कि उसके बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, सॉरी चूजे छोटे छोटे से ले आएंगे हम लोग मुर्गियों के, तो यार उसका ऑर्डर दिया हुआ था। तो हमने आज जाना है, मैंने आज रैबिट के लिए यार गाजरें वगैरह लेने के लिए जानी है। हफ्ते में दो दफ़ा मैं लाजमी मार्केट जाता हूँ, एक दफ़ा इनका दाना लेने के जाता हूँ, दूसरे लिए इनके लिए रैबिट्स के लिए ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ वगैरह ले आता हूँ, जो दो से तीन दिन चल जाती हैं, फिर दो से तीन दिन बाद दोबारा जाता हूँ जाकर ले आता हूँ। तो आज मैंने जाना है मार्केट, जाके इनके लिए या रैबिट्स के लिए खाना लेकर आना है, वो लेकर आऊँगा साथ में, यार उनसे पता भी करके आऊँगा, क्योंकि दो तीन दिन रह गए हैं हमारा हफ्ता होने में, जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास दोबारा से चिक्स वगैरह आ जाएंगे, तो हमने जाना है जाकर उनसे चिक्स का पता भी करके आना है। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से ऊपर आ गया, मैंने कहा चलो आपको एक बार बर्ड दिखा दूँ। साथ में यार इन्होंने जो अंडे दिए होंगे, मुझे उम्मीद थी कि इसने दूसरा अंडा दे दिया हो, कि एक दिन के बाद देना होता है, ठीक है वो भी दे दिया। और अब पता क्या मसला हो गया, हमारा ये जो कबूतर है ना, पता क्या करता है, अपने दोनों बच्चों को ना पास नहीं आने देता, इधर वाली साइड पे अंडे पड़े हैं, इधर वाली साइड पे वो खुद होते हैं। जैसे ही वो इधर वाली साइड पे आने लगते हैं ना, ये हमारा जो कबूतर है, ये उनको चूंचे मार के ना बाहर निकाल देते हैं। वो देखें बच्चा बाहर आने की कोशिश करें, फर्स्ट टाइम ये आ रहे हैं, वो ऊपर ब्लैकी भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इतना काला है दूर से नज़र भी नहीं आता। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वो पीछे चल के छुप के बैठ गए। और तो एक तो मैंने इसको ढांग ढांप दिया ना, अंधेरा हो गया तो ब्लैक सा है, काला सा है, नज़र ही नहीं आता। जैसा वो बिल्कुल नीचे का बिल्कुल वैसा ही है, वो बाहर आ रहा है, आ जाएंगे ये बाहर। चलो ये तो लगे, आज हमारा सुबह से हमारा जो कुकी है ना, बहुत ही प्यारी बातें कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी उसकी बातें। कौन से वाला कर रहा है, ये नीचे वाला, वो वाला है कि ये वाला, वो वाला, इतनी प्यारी बातें कर रहा है यार, इतनी ज़्यादा प्यारी बातें कर रहा है ना। आवाज़ आ रही होगी आपको, सुबह से ऐसी ही बातें कर रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बातें बहुत ही प्यारी करो। ए उड़ना जाना, ऐसे रो नीचे रो नीचे रो, तुम लोग उड़ गए ना तो मेरे पास तुम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा। हाँ तुम लोग ही बस आखिरी हो मेरे पास, बाकी सब के सब तो यार बिल्ली ने खा लिए थे, कहीं गुम हो गए थे, आप सबको पता ही है, तो इस वजह से तुम लोग आखिरी पीस हो मेरे पास।
अगर तुम लोग भी चले गए तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाएगी। और बनी, तुमने तो यार बहुत ही बदतमीजी की मेरे साथ। बाहर आना है, आ जाओ भाई, बाहर आओ बनी, आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओगे बनी? यार देखे ना, वो बिल्कुल ऐसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मुझे करता है। पता नहीं अकेला बंद करने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना मुझसे गुस्सा हो गया है, और मुझे इसकी बहुत टेंशन होती है। पानी डालूँ तो उठा के वो फेंक देता है। ये देखे खाना डाला है, खाना भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या करते। बाहर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। नहीं आ रहा बनी, आ जाओ बनी, क्या हुआ है, क्या मसला हो गया तुम्हें बनी? जल्दी से आओ बाहर, आ जाओ भाई, देखो रास्ता खोल दिया तुम्हारे लिए बाहर, उनको बंद कर दिया, अब तुम्हें खोल दी, जल्दी से आओ भाई। चिकी, चिकी मेरे प्यारे से चिकी, बेटा अंदर चले जाओ, तुमने अंदर जाना है, चलो ठीक है चली जाओ फिर, चलो जाओ जाओ, शाबाश चिकी, अंदर चलो चिकी, चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश, शाबाश चिकी, चलो 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 अंदर, चलो अंदर चले जाओ ना, जाना नहीं है तो फिर चलो तुम चले जाओ चिकी अंदर। पानी कहाँ गया सारा? पी लिया कि गिरा दिया है? खाली कर दिया सारा, गिराया होगा, पिया कहाँ होगा इन्होंने। बनी आ गया भाई, ओ बनी आ गया, चिकी चिकी बनी आ गया, चिकी अंदर चलो, बनी आ गया, बनी आ गया, बहुत खौफनाक है आज का। बनी जाओ उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तुम्हारे पास वो उधर हनी है, उधर चले जाओ, जाओ। इसकी क्या हालत हो गई है, इसको पकड़ के इसका मुंह तो साफ करना चाहिए ना। बनी इधर, बनी इधर आओ मेरे पास, दो मिनट के लिए आओ ना, मुंह तो साफ करवा लो अपना, मुंह कितना गंदा किया हुआ तुमने, मुंह तक अपना साफ नहीं से करवा रहा है। चलो तुम लोगों को बंद कर देता हूँ, दाना पानी है सबके पास ऑलरेडी, खाना सबके पास मौजूद है। अब शाम के टाइम में इनको डाई डालने की जरूरत पड़ती नहीं है, पता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पीते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि ये इन्होंने दाना अपना ख़त्म किया हो। इनकी प्यालियों में खाना यूँ ही मौजूद होता है, इसलिए अब ज़रूरत ही नहीं होती है। ये देखें इसके मौजूद है, इसके भी पड़ा हुआ है, इसके भी पड़ा है, इसके भी पड़ा है, अब ये सबके पास खाना होता है। चलो बनी तो नहीं आया, तुमने आना है, बनी बनी तो इधर नहीं आया, बनी वापस चला गया। अब हम ऐसे करते हैं, बनी को बंद कर देते हैं, बनी ने बाहर नहीं आना, बनी नहीं आना बाहर, अंदर ही आना है तुमने। चलो ठीक है फिर अंदर ही रहो, मैं तुम्हें फिर बंद कर देता हूँ, चलो बंद कर देता हूँ मैं तुम्हें। चलो बनी को तो कर दिया मैंने बंद, इसके अलावा इनको भी बंद कर देते हैं, इनको भी लॉक लगा देते हैं, बंद कर दे। इनकी बस सफाई रह गई थी, मैंने इनकी सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा था ये बाहर गिरा हुआ है, खुद ब खुद बाहर निकल के खा लेंगे, थोड़ा सा हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सफाई नहीं की थी। लेकिन सुबह इंशाल्लाह इनकी भी कल या परसों के इनकी भी सारी सफाई कर दूँगा, साथ में पक्का मेरा इरादा है बनी को नहलाने का, बनी को नहलाना ही पड़ेगा। हाँ जी, नीचे वाला बातें कर रहा है, इसकी बातें सुन लेते। हाँ जी कुकी, क्या बातें कर रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, क्या हुआ ये देखना, मेरे भी काटी करने की कोशिश करेगा, ये देख अच्छा ये छोटे छोटे होते हैं, जब इनको टेम करना ना फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर चाहे गर्मी का मौसम है कुछ भी है, यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना तो मुझे सुकून सा मिल जाता है, लेकिन जैसे मैं इस एरिया में जाके खड़ा होता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी, तो मैं ना मेरे पसीने छूट जाते हैं, और इतनी कदर हबस में मतलब मेरा पसीना बहने लग जाता है, यहाँ पर आते ना सुकून मिलने लग जाता है। अब मैंने यही सोचा है कि आपसे भी कल मशवरा मांगा था, अपने दोस्त से भी मशवरा किया था, तो इंशाल्लाह यार मेरा यही इरादा है थोड़े दिनों तक ना, इंशाल्लाह अभी कुछ काम है ज़रा हो रहे हैं, वो ज़रा हो जाएं, फिर कुछ दिनों तक इंशाल्लाह मेरा तो पक्का इरादा है अपने पूरे के पूरे सेटअप को बाहर ले आने का सारा सेटअप बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कुछ सेटअप, वहाँ पर आ जाएगा सारा का सारा बाहर लेकर आकर फिर हम लोग लगा देंगे यहाँ पर पंखा। एक पंखा जो है वो इस तरफ को पिलर पे लग जाएगा, इस तरफ को लग सकता है, ठीक है, इस पिलर से इस तरफ को लग सकता है, और एक पंखा जो है वो हम लोग यहाँ पर कहीं लगा सकते हैं जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह से ही इंशाल्लाह कुछ करके तो इनको बाहर ले आना है। यहाँ पर इसलिए नहीं इस एरिया में लगा सकते क्योंकि आपको पता है बारिश आएगी तो गीला हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह लगेगा। यहाँ पर अगर हम तोते वगैरह रख लेंगे ना तो उनके लिए आसानी होगी, तोतों को ज़्यादा गर्मी लगती है, वो बाहर के एरिया में रहते नहीं। यहाँ पर इस तरह करेंगे अपने इस वाले, इसने तो इन्होंने तो यहीं पर रहना है, इनको नहीं उतार सकते हम यहाँ पर, और ये जो पैरट है ना इनको हम वहाँ पर रख देंगे, दोनों को इनको सामने रख देंगे, इस तरह कर देंगे हम,
कि मतलब ये वाला उठाकर सामने रख देंगे और ये वाला यहीं पर रहेंगे, हमारा सेटअप थोड़ा सा यहाँ पर भी सेट रहेगा। और ये दोनों पिंजरे हैं ना, ये उठाकर हम दोनों यहाँ ले आएंगे, क्योंकि इनके नीचे असल में हमारे पास ना वो भी है ना, क्या कहते हैं उसे, खरगोश भी है ना, तो खरगोश को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको पता ही है, तो इसलिए उनको यहाँ लेकर आना हमारे लिए बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है, क्या क्या सेटअप में करूँ, तब्दीलियाँ क्या ना करूँ, ये सब कुछ आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो अब टाइम थोड़ा रह गया मगरिब में, तो मैंने जाना है यार मार्केट, जाकर कुछ वो चीज़ का पता करके आएँ और साथ में इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करने लगा हूँ एंड, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में लाजमी बताएँ कि सेटअप कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सेटअप का लाजमी मुझे बताएँ, ठीक है, ओके। ये देखिए दाना खा लिया है, अब पानी मुँह में डाला हुआ है, पानी वहाँ से पिएगा और इस वाले बच्चे को फीड करवाएगा। इतने बड़े हो गए हैं खुद ब खुद, अभी इनको वो खुद खा भी लेते हैं लेकिन फिर भी इनको फीड करवाते हैं। वो देखें बच्चे मांग रहे हैं, वो अपने बाप से ज़्यादा मांग रहे हैं। देखो किसको खिलाता है वो, पहले वो ब्लैक वाले को खिला रहा है पहले।